रमजान का महीना खत्म हो गया और ईद का त्योहार भी अगले 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म नहीं होगी तो बिहार में जो सियासी उलझन है वो। दरअसल रमजान के महीने में इफ्तार के बहाने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस तरह एक दूसरे से मिलते रहे, उसने बिहार की सियासी हलचल को बढ़ा रखा है। किसी को नहीं मालूम कि यह दोनों कौन सा गुल खिलाने वाले हैं, लेकिन दोनों दलों के नेताओं की तरफ से दिन भर कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में अब कुछ भी हो सकता है। यकीन नहीं हो तो जेडीयू के नेताओं के बयान को ही ले लीजिए। जेडीयू नेता और पूर्व सांसद अली अशरफ फातिमी ने कहा है कि अगर चाचा भतीजा एक हो जाएं तो बिहार के लिए बेहतर होगा। आपको यह बताना जरूरी है कि फातमी जेडीयू में आने से पहले आरजेडी के ही हुआ करते थे। यही हाल बांका से जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव का है। गिरधारी यादव भी मानते हैं कि आरजेडी और जेडीयू अगर साथ आ गए तो बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई ज्यादा मजबूत तरीके से लड़ी जा सकती है। जेडीयू के नेताओं की तरफ से कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन चाचा का सीक्रेट किसी को नहीं पता। भतीजे और चाचा मिलके बिहार में क्या गुल खिलाने वाले हैं, यह कोई नहीं जानता। चर्चा होती रहती है कि नीतीश कुमार कभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, कभी उपराष्ट्रपति पद के, कभी उनके राज्यसभा जाने की भी अटकलें लगती हैं। लेकिन फिर हर अटकल पर नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से विराम लगा दिया जाता है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार कई मसलों पर असहज दिखते हैं। कॉमन सिविल कोड इन्हीं में से एक मसला है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पहले से कॉमन सिविल कोड के मसले पर अपनी राय बीजेपी से अलग रखी हुई है। जाहिर है, अगर मानसून सत्र में संसद के अंदर इस पर विधेयक लाया जाता है तो नीतीश कुमार अपने स्टैंड को साफ करेंगे। लेकिन इन तमाम विवादित मुद्दों के बावजूद क्या नीतीश वाकई बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आएंगे? अगर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने आने का मन बना भी लिया तो मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल पर आकर सभी अटकलें कहीं ना कहीं दम तोड़ देती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की सियासत को जानने वाले यह बखूबी जानते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर वह कोई समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। उनकी पार्टी नेता समर्थक सभी चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बने। खुद तेजस्वी यादव यह बार बार दोहराते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में खेला हो गया। तो ऐसे में क्या तेजस्वी एक बार फिर समझौता करेंगे? क्या नीतीश कुमार को नेता मानेंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने देंगे और खुद डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? या फिर नीतीश बीजेपी को जवाब देने के लिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल तो बढ़ी हुई है। इंतजार करना होगा ईद का त्योहार खत्म हो और उसके बाद बिहार में सियासी गोलबंदी किस तरफ आगे बढ़ती है, इसे देखना होगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।